सर अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए, इंट्रोडक्शन, आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। मैं डॉक्टर गुणपाल सांगवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर एक सवाल ये था कि अगर कानून की किताबों के बारे में बात करें तो किस तरह के कानून है बाल विवाह से निपटने के लिए, उस पर रोकथाम करने के लिए? और बहुत बार ऐसा होता है कि बाल विवाह के बाद विधवाएं जल्दी हो जाती है, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? देखिए, ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का इशू है और इसके ऊपर, ये सोशल क्राइम है। इस सोशल क्राइम का भारत में आगमन मिडिल पीरियड में हुआ है, क्योंकि लड़कियों को उठा ले जाते थे, छोटी उम्र में शादी नहीं छाटी कर देते थे डरते हुए, जो बड़ी हो जाती थी उनको उठा ले जाते थे, इधर उधर के ट्राइब लाइफ थी। तो विशेषकर मुस्लिम पीरियड में बाल विवाह की प्रथा चली है। उससे पहले हिंदुस्तान का पूरा विधान है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की और 25 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होना चाहिए। ये मनुस्मृति का आदेश है, आदि आदि लॉ है, ये सबसे प्राचीन दुनिया का कानून यही है। इसलिए भारतवर्ष में जो अब तो बाल विवाह की प्रथा कहीं होगी कि नहीं स्टेट्स में जो बहुत बैकवर्ड हैं, लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ बाल विवाह की कोई प्रथा अब है नहीं और कानून इसके लिए बड़ा सख्त है। और कई बार आपने देखा होगा कि शादियाँ होती हैं, होते होते रुक जाती हैं बाल विवाह की शिकायत के ऊपर। इसलिए सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन सा प्रावधान है, कितने साल की सजा है, और अगर ऐसे क्राइम होता है तो उसको लेकर किस तरह से एक्शन होता है, एसएचओ लेवल पे एक्शन होता है, कैसे? देखिए, ये आम तौर पर सजा तो नहीं देते हैं, शादी को रुकवा देते हैं। और कानून के, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो कानून है उसके आधार पर सजा आज तक मैंने सुनी नहीं है बाल विवाह में किसी की सजा हुई हो, लेकिन बाल विवाह को रोका जरूर जाता है और रोकने के बाद उसकी शादी को नल एंड वाइड कर देते हैं। जिनका बाल विवाह हो चुका है वो दोबारा शादी करने चाहें तो उसके लिए क्या प्रावधान है, या जो विधवा हो जाती है उनके लिए क्या प्रावधान है? देखो, सर जिन लोगों का बाल विवाह हो चुका है, अगर वो दोबारा शादी करना चाहे, वो महिलाएं मैच्योर होने के बाद, उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, और जो विधवा हो चुकी है उनके लिए किस तरह की मदद? देखिए, बाल विवाह जो है वो नल एंड वाइड है, कानूनी उसकी कोई वैधता नहीं है, कानून उसको नहीं मानता। इसलिए जो बाल विवाह के एक तरह से विक्टम है या बाल विवाह की गिरफ्त में आ गए हैं, उनको दोबारा शादी करने की पूरी आज़ादी है। बजाबते वो बाल विवाह जो है ना, एक दूसरे से अलग हो गए हों और टाइम से अलग हो गए हों। और जहाँ तक दोबारा शादी का सवाल है, शादी तो जब भी आदमी की, लड़के की या लड़की की एज होती है तभी कर लें, वो बाल विवाह के बाद जब भी उनकी एज हो कर लें, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कानूनी तौर पर। सर आपने बताया था कि जो लोगों का बाल विवाह हो चुका है वो भी सेपरेट हो सकते हैं कानूनी रूप से, और जब बालिग हो जाए तो दोबारा शादी भी की जा सकती है। नहीं, मैंने ये कहा है कि बाल विवाह जो है अपने आप में एक अपराध है और उसकी कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए वो जब भी मेजर हो जाए वो सेपरेट अपने आप कर देती है, नहीं होने देती इस तरह की शादियां। तो जब भी बालिग हो जाए वो शादी कर सकते हैं, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, ये मैरिज की एज है हमारे मैरिज एक्ट में। सर अपना नाम बता दीजिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आप शाखा पंचायत से। मैं जनरल देवेंद्र वत्स, मैं संचालक हूँ कोर कमेटी जो हरियाणा की सरोखाप पंचायत के फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है, उसका संचालक हूँ। सर यहाँ एक सवाल ये है कि बहुत बार दूर दराज इलाकों में ऐसी चीजें रिपोर्टेड होती है कि बाल विवाह हुआ है, खाप पंचायत एक सामाजिक संस्था के तौर पे आप इससे खिलाफ है और चाहते हैं कि आप कानून के तहत काम होना चाहिए और इन चीजों का बहिष्कार करते हैं? देखो, बहिष्कार की बात अलग है, खाप पंचायत ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कानून के दायरे से बाहर हो। इसलिए हम बाल विवाह यानी 18 साल से छोटी लड़की की शादी और 21 साल से छोटे लड़के की शादी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ हैं।
प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मोस्टली ज़्यादातर मैरिजेस दूर दराज इलाकों में अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, और दूसरे गांव वालों की अपनी राइवलरी की वजह से गलत रिपोर्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में अभी भी तारीख पैदाइश या डेट ऑफ बर्थ याद रखने का रिवाज नहीं है। ऐसे हालात में हम यही कहेंगे कि बच्चा बालिग हो, जिस्मानी तौर से भी दिमागी तौर से भी उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो, तभी उनकी शादी होनी चाहिए। और कानून के जो ख़िलाफ़ बात हुई है उसका कानून के दायरे में रह के डिस्करेज किया जाए, यानी उसको आगे हौसला अफजाई की बजाय बताया जाए लोगों को ये गलत काम हुआ है, और उसी तरह से कानून के दायरे में रह के उससे डील किया जाए। ये पंचायतों की भूमिका या विचार बाल विवाह के खिलाफ है, उनके हक में नहीं। एक सामाजिक दबाव भी डाल सकते हैं खा पंचायत सर पंचायत के तौर पे कि ऐसी चीजें ना हो, एक शिक्षा जिसे एजुकेशन कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, वो चीज लेवल लाए जाए। अवेयरनेस जो है वो बेस्ड तो साइंस पे रहेगी, साइंस और सोशल साइंस दो चीज इसमें कायम होती हैं। प्यूबर्टी के बाद बच्चा एडल्टहुड में आने लगता है, मैं बतौर डॉक्टर भी ये कहूँगा, मगर उसकी सोशल डिपेंडेंस रहती है। 18 साल की जैसे लड़की 21 साल का लड़का इस उम्र में वो कमाने के काबिल हो जरूर जाते हैं, जैसे सेना में भर्ती हो सकते हैं, कुछ और रोज़गार भी कर सकते हैं, इसलिए उन पे पाबंदी लगाई है कि इस उम्र से छोटी उम्र में शादी मेडिकली भी दुरुस्त नहीं है और सोशली भी दुरुस्त नहीं है, कि शादी जब करें जब वो अपना घर बार चला सकें। जब वो दूसरों पे डिपेंडेंस हैं तो वो कामयाब शादी नहीं रहेगी। सर एक बार अपना नाम और आपके एनजीओ किस तरह से काम करते बच्चों पे थोड़ा सा ब्रीफ एक सेकंड सर। मैं रमाशंकर चौरसिया बचपन बचाओ आंदोलन का चेयरपर्सन हूँ, और पिछले 30 सालों से हम लोग बाल मजदूरी उन्मूलन, बच्चों की शिक्षा और चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। चौरसिया जी, अगर बाल विवाह की बात करें तो क्या बाल विवाह जैसे केस आपके सामने आए हैं, और जब आप उन्हें रोकने जाते हैं तो किस तरह का सोशल प्रेशर आपके ऊपर होता है, और उस वक्त के आपको पुलिस की और प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है? देखिए, बाल विवाह जो है इस देश में बहुत दिनों से प्रचलित था, एक परंपरा सी बन गई है, खास करके पिछड़े इलाकों में जहाँ कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। भेज दिया हमने। भारत में बाल विवाह प्रथा जो है बहुत दिनों से जारी है, और खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और पिछड़े इलाके हैं वहाँ ये प्रथा काफ़ी गहराई से जड़ जमाए हुए है। इसकी जो बुराइयां हैं उससे गांव के लोग जो है अनभिज्ञ हैं, इसलिए बाल विवाह करते हैं। बाल विवाह का परिणाम जो है वो बाद में सामने देखने में आता है। हम लोग जो मामले सामने आए उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बाल मजदूर अगर काम करने लगता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि लड़का अब काम करने लगा, उसकी जल्दी शादी कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लड़का तो पढ़ नहीं पाता, लड़कियां भी नहीं पढ़ पाती। होता ये भी है कि बच्चे की लड़के की अगर जल्दी मौत हो गई तो लड़कियां विधवा हो जाती हैं। ये सारी बुराइयां जो हैं इसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग काफ़ी दिनों से इसका प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में बाल विवाह होता है। कुछ पार्लियामेंट के मेंबर से हम लोगों ने बात की थी, उनका भी ये
उनका भी ये मानना था कि इस प्रथा पर रोक नहीं लगानी लगाई जानी चाहिए। कुछ जगह और हम लोगों ने प्रयास किया, आपके झारखंड में, बिहार में, दूसरी जगह जो है हम लोगों ने प्रयास किया, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बच्चे जो है उसको रोकते हैं। इस काम में पुलिस की मदद जो है हमें ज़रूर मिल जाती है, कानून बना हुआ है, इसकी वजह से 18 साल से कम उम्र की लड़की कभी बार नहीं होना चाहिए, कई साल से कम उम्र बच्चे का होना चाहिए, इस लिहाज से हम लोग को कानून में मदद मिल जाती है और बहुत सी शादियां हम लोगों ने बाल विवाह की रुकवाई। और विरोध जरूर होता है, गांव वाले नहीं चाहते, गांव के घर लड़कियों के घर वाले नहीं चाहते कि ये विवाह रुके, लेकिन लोगों को समझा बुझा के भी हम लोग तैयार कर लेते हैं और पुलिस का दबाव रहता है। खास बात यह है कि सभी लोग जानने लगे हैं, कम से कम इतनी चेतना आ गई है लोगों में कि लोग समझने लगे हैं कि बाल विवाह जो है गैरकानूनी है, इसलिए अब जो है शुरू में जितना विरोध वो करते थे अब उतना विरोध नहीं होता और पुलिस की प्रशासन की मदद जो है मिल जाती है, इस तरह से बाल विवाह जो है वो रोकने में सहायता मिल जाती है। लेकिन ये कहा जाए कि बाल विवाह पूरी तरह से रुक गया, ये नहीं कहा जा सकता। आज भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहा है और हर साल जो है हजारों शादियाँ इस तरह की होती हैं, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा होती हैं। लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, समाज में चेतना नहीं आएगी, तब तक जो है इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। चलसिंह जी, आपने बाल विवाह के साथ आपने एक और बुराई बताई कि बहुत बार लड़कियां विधवा छोटी उम्र में हो जाती है, उनके पुनर्वास के लिए कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जो बच्ची है उसके पति की डेथ हो गई 18 साल होने से पहले, उनके पुनर्वास के लिए, उनके जीवन यापन के लिए किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं सोसाइटी में भी और आपके एनजीओ की तरफ से? ये ऐसा है कि जो लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती हैं उनके लिए प्रावधान तो है कि उन्हें सहायता दी जाए, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि उसका सहारा कोई ना हो। हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि लड़कियां अगर कम उम्र में विधवा हो गई तो उनका विवाह हो जाए, पुनर्विवाह हो जाए और विधवा विवाह पर रोक न लगे। इसके लिए भी हम लोग समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और यही एक सबसे अच्छा विकल्प है कि किसी तरह की सहायता दी जाए, उससे बेहतर है कि उस लड़की का जो है पुनर्विवाह हो जाए। जो सहायता सरकार के नाम से विधवाओं को मिलती है वो तो बड़ी हास्यास्पद है। 200 रुपया महीना जो है विधवाओं को सरकार पेंशन देती है, यानी 6 रुपये 66 पैसे रोज सरकार देती है एक विधवा को जीवन यापन के लिए। 6 रुपये 66 पैसे में तो आज दिल्ली में एक कप चाय भी नहीं मिलती, उसका पुनर्वास कैसे होगा? ये एक विकट समस्या है। इसलिए हम लोग ज़्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जो विवाह योग्य लड़कियां हैं, जो विधवा हो गई हैं किसी वजह से, उनका विवाह हो जाए, उनका घर बस जाए, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। थैंक यू सर। सर, ऐसा कोई केस होगा?